हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यून टेक वर्ल्ड। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बता रहे हैं, यहाँ पे कुछ डाटा दे रखा है। इस डाटा में मल्टीपल ब्लैंक रोस यहाँ पे अडॉप्ट हो रखा है, तो आपको ये ब्लैंक रो को डिलीट करके सीरियल नंबर लगाने में बहुत सारे समय लगेंगे। उस समय को बचा करके आप टोटल कितना सेल में आपका वैल्यू है और कितना सेल यहाँ पे सीरियल नंबर लगाना है और उतना टोटल सेल का भी कितना है वो काउंट करके भी यहाँ पे बताएगा। तो हम यहाँ पे दो फार्मूला यूज़ करेंगे, एक तो सीरियल नंबर के लिए और आपका वैल्यू सेल को काउंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम वैल्यू सेल को काउंट कर लेते हैं, कितना सेल आपके पास टोटल नंबर्स में वैल्यू है। तो उसके लिए इसी इक्वल टू काउंट ये फार्मूला यूज़ करेंगे। काउंट ये फार्मूला यूज़ करने के बाद हमने B3 सेल से लेकर के आपका जो लास्ट सेल है हम उस सेल को ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 200 सेल का ले लेते हैं और एंटर कर देते हैं। यहाँ पे टोटल 53 सेल में वैल्यू है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर के लिए यहाँ पे दो फार्मूला यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक तो if कंडीशन में और एक काउंट ये फंक्शन का। तो सबसे पहले इसी इक्वल टू इफ ब्रैकेट ओपन करके आपको जो वैल्यू वाला सेल है B3 उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दो वैल्यू, अगर वैल्यू ट्रू और वैल्यू फॉल्स, दो कंडीशन यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। तो वैल्यू ट्रू के लिए विद इन कोटेशन मार्क में दो बार लिख करके कमा लगा देना और वैल्यू फॉल्स के लिए विद इन डबल कोट कमा लगा देना। उसके बाद यहाँ पे आपको यूज़ करना काउंट ये फार्मूला यूज़ करके आपको B3 सेल को लेके फ्रीज कर देना जो F4 बटन दबा करके। उसके बाद आपको कॉलन लगाना, फिर उसी B3 सेल को लेना, क्योंकि B3 सेल आपका एक तो रेफरेंस हो गया। अगर रेफरेंस सेल में वैल्यू है तो ये वैल्यू काउंट करके आपको सेल A3 के अंदर बताएगा। तो इसको मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो क्लोज करके एंटर दबा दिया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखिएगा, मैंने ड्रैग कर दिया, चल ये 6 है ब्लैंक है लेकिन यहाँ पे 4 नंबर नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली 4 आ गया। तो मैंने पूरा सेल को ड्रैग कर दिया, तो कहाँ तक आया डाटा, जो 53 सेल तक आया। तो हमारा टोटल सेल्स कितना था वैल्यू में 53, तो ऑटोमेटिक सीरियल नंबर आ गया। अगर मान लो इस डाटा को मैंने यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ, एक्सटेंड करते हुए ऑटोमेटिक यहाँ पे 4 नंबर आ गया, यहाँ पे सीरियल नंबर भी एक्सटेंड होकर आ गया। तो इस तरह आप एक्सेल शीट के अंदर ऑटोमेटिक सीरियल नंबर लगा सकते हैं ब्लैंक रो छोड़ करके, और आपका टोटल वैल्यू सेल है इसका भी काउंट करके चेक कर सकता है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं ये वीडियो आपको यूजफुल होगा, तो जरूर इसके एक लाइक कर दे, आपका दोस्तों को भी शेयर करना ना भूले, ताकि इंटरव्यू में इस तरफ सवाल हम पूछते रहते हैं तो आप हमारा चैनल में देखते रहेंगे, आपको बहुत फायदा बनेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल में बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन चूज करने से भविष्य में इस तरफ नया नया टॉपिक हमारे चैनल में आते रहेंगे तो आपके यूट्यूब चैनल में बिना मिस होते हुए आते रहेंगे, तो आप भी फायदा उठा पाएंगे। हम फिर मिलेंगे अगले नया टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।